بسم الله الرحمن الرحيم رب زدني علما السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين. ما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. अल्लाह के फजल करम से अरबी जबान का ये 25th सेशन है और हम अल्लाह की खास तौफीक और फजल के साथ अरबी जबान में आगे बढ़ रहे हैं। अल्लाह से दुआ है कि हमें और भी तौफीक अता कर ताकि कुरान का हर लफ्ज हमारे लिए आसान हो जाए और अरबी जबान का हर लफ्ज हमारे लिए आसान हो जाए। तो इसी कोशिश में आज आप लोगों के सामने एक ऐप मैंने शेयर किया है जो ग्रुप्स में आपके पास मौजूद है, अल कुरान के नाम से, जो ग्रीन टेक का ऐप है। ठीक है, इसका एंड्रॉयड और आईओएस में वर्जन भी है और साथ में डेस्कटॉप वर्जन भी है। इसका सबसे बड़ा फायदा क्या है, क्योंकि आप माशाल्लाह अब फाइल की तलाश भी कर रहे हैं, जैसा कि कल सबक में बताया गया था कि फाइल दो तरह का होता है, एक जाहिर होता है एक मुजमर होता है, एक जाहिर होता है और एक मुजमर होता है। लेकिन फेल को कैसे पहचाने, फेल कहाँ है? तो ऐसी सूरत में ये ऐप, ये पोर्टल आपके लिए इतना मुफीद है, इतना मुफीद है इंशाल्लाह कि अगर आप किसी भी वर्ड पे क्लिक कर देंगे तो आपको बता देगा ग्रामेटिकली कि ये वर्ब है, ये नाउन है, प्रीपोजिशन है, ईच एंड एवरी वर्ड के बारे में ये ऐप आपको पूरी तरह से वजाहत कर देगा। ठीक है, तो चलिए हम इसकी प्रैक्टिस करते हैं। देखिए यहाँ पे जो प्रीपोजिशन है उसको क्या कहते हैं, हर्फ जर। तो यहाँ पे दोनों भी चीज बता दी गई है, ये बा हर्फ जर है और इस्म नाउन है, फिर अल्लाह प्रॉपर नाउन है, अर रहमान नाउन है विद ट्रांसलेशन, तो आपको ये भी पता चल रहा है, और साथ में इसका रूट लेटर क्या है। क्योंकि जब कभी आप मालूम करेंगे अरबिक लैंग्वेज में तो हर एक वर्ड का रूट लेटर होता है। ठीक है, उस रूट लेटर, उसका रूट लेटर का माना मालूम हो गया आपको, तो फिर अरबिक जबान में जहां कहीं वो लफ्ज आया होगा उसका मीनिंग आपको समझ में आएगा। ठीक है, जैसे अब मान लीजिए अर रहमान है, ओके, अब यहां पे क्लिक फॉर मोर आप सर्च करें, अब देखिए रहमान वर्ड यहां पे 56 टाइम्स आपको कुरान में मिलेगा। तो ये आपकी एक अच्छी खास बात ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह जहां कहीं भी रहमान यूज हुआ है वो मिल जाएगा। दूसरी बात यह है कि न सिर्फ रहमान बल्कि इस तरह का भी लफ्ज अगर मौजूद हो जिसके अंदर इसका रूट लेटर यूज है तो सारी चीजें हैं। देखिए रहमान 56 टाइम्स था लेकिन राहमीन ये रूट लेटर्स वाला लफ्ज कितनी मरतबा है, 313 टाइम्स, तो इसमें रहमान भी आ गया, रहीम भी आ गया। तो ऐसे सारे लफ्ज आएंगे, जो वर्ब होगा सब होगा, वो सारे चीजें वर्ड्स किसमें आएंगे, तो ये आपकी अल्हम्दुलिल्लाह ये खासियत है कि इसके अंदर आपको ये लफ्ज बता देगा, इसका मीनिंग बता देगा और साथ में ये लफ्ज एग्जैक्टली कितनी दफा आया है, ओके, और इसका रूट लेटर कितनी दफा आया है कुरान में, ये भी पता चल। ठीक है, और एक खास बात इसमें ये है, अब देखिए अर रहमान में हमने जब क्लिक किया तो पता चला कि कितनी मरतबा है, 56 मरतबा है, तो इसमें क्या है, मजरूर मरफू सबको काउंट कर लेगा। लेकिन जब अगर आप यहां पे क्लिक करेंगे सिर्फ इसी पर, खाली रहमान के उस पर, तब क्या करेगा लफ्ज, हुई सिर्फ रहमान जो लफ्ज होगा उसी को ऐड करेगा। ये रहमान पे क्लिक करेंगे तो क्या होगा, अलिफ लाम का तो खैरियत जिक्र होगा,
अलिफ्लाम के वर्ड का बता रहा है, लेकिन जैसे मिसाल के तौर पर ये लफ्ज है, लफ्ज अल्लाह, तो लफ्ज अल्लाह में अगर आप देखेंगे 1821 टाइम्स आया है, कितनी मरतबा आया है लफ्ज अल्लाह, 1821 टाइम्स आया है, ठीक है, लेकिन मुझे सिर्फ देखना है कि मजरूर की हालत में कितनी दफा आया है, इसमें मैं क्लिक करता हूं तो 825 टाइम्स। समझ में आ रहा है आपको, ये इस ऐप का फायदा है, ठीक है। अब देखिए यहां पे जो वर्ड अल्लाह है, जो 1800 टाइम आया है, इस पे आप क्लिक करेंगे तो इसमें हर तरह का मिलेगा आपको, देखिए रफा भी मिल गया आपको। अब मैं सिर्फ रफा का मालूम करूंगा तो 812 टाइम्स, और अगर मैं नसब का मालूम करूंगा तो वो भी पता चल जाएगा कितनी दफा आया है, 513 टाइम्स। तो मतलब मोर देन 800 टाइम्स अल्लाह ही, लफ्ज अल्लाह मजरूर है, और 513 टाइम्स लफ्ज अल्लाह मंसूब है, और 800 टाइम्स लफ्ज अल्लाह मरफू है। तो समझ में आएगा ये आपका, आपको तो ये ऐप माशाल्लाह बहुत फायदेमंद ऐप है, बहुत अच्छा ऐप है। तो इस ऐप में आपको क्या करना है, इस ऐप में आपको जो वर्ब है उसको आपको तलाश करना है, ठीक है, ताकि आपको मालूम हो सके इसका फाइल कैसे है। ओके, तो आपने इसको मालूम किया इसमें फाइल नहीं है, तो आपको ये भी बात मालूम है कि नाउन की सबसे अच्छी कंडीशंस कौन सी है, नाउन को आप कैसे पहचान सकते हैं, आपको पहले साइंस बता के गए थे, जैसे अलिफ लाम अगर आ जाता है तो नाउन है, वो तनवीन आ जाता है वो लफ्ज पे तो वो नाउन है, और इसी तरह से उसके आखिर में कसरा आता है तो वो नाउन है। तो आप क्या करें, ये तीनों कंडीशंस किसी इंसान किसी लफ्ज पर है तो उसको स्किप कर दें, जैसे मिसाल के तौर पे इस पे कसरा भी है तो नाउन वर्ब नहीं है, ये वर्ब नहीं है, ये वर्ब नहीं है, ये वर्ब नहीं है, अलिफ लाम आया तो वर्ब नहीं है, कसरा वर्ब नहीं है, कसरा आया वर्ब नहीं है, अलिफ लाम आया वर्ब नहीं है। ओके, आप चाहे तो एक वर्ड पे क्लिक करके देख सकते हैं, लेकिन आपकी सर्च को और भी नैरो करने के लिए मैं बता रहा हूं कि जो आपको जाहिरी तौर पे नाउन समझ में आ जाएगा उसकी तरफ ना जाए, अगर आप क्लिक भी करें तो पता चल जाएगा कि नाउन है, ठीक है। इसीलिए बेहतर क्या है, जो नाउन आपको ना समझ में आए उस पर आप क्लिक करें, जैसे ये लफ्ज है, अब ये लफ्ज भी अगर आपको समझ में नहीं आ रहा क्लिक कीजिए, उसमें क्या पता चल रहा है कि पर्सनल प्रोनाउन है ये, नाउन नहीं है। ओके, अब यहां क्लिक करें, ये वर्ब है, ये क्या है, वर्ब है। ओके, ये वर्ब है, तो मतलब अब यहां पे कहीं पे आपको फाइल नजर आया इस जुमले में, जाहिरी तौर पर नजर नहीं आया, तो इसका फाइल क्या होगा, हिडन होगा। तो ये ऐप का फायदा समझ में आ गया आप लोगों को, इस ऐप से आप हर एक वर्ड को डिफाइन कर सकते हैं, हर एक वर्ड को डिफाइन कर सकते हैं कि वर्ड कौन सा है। ओके, ये वर्ड किस चीज के लिए इस्तेमाल हो रहा है और उसका मामला कौन सा है, ताकि आपके लिए आसानी हो जाए इंशाल्लाह। तो बात क्लियर है आप लोगों के लिए, वाजे है, वेरी गुड, बारकल्लाह। तो इस ऐप का हमेशा आप इस्तेमाल करें, इसके जरिए आप क्या कर सकते हैं कि हर एक वर्ड को डिफाइन कर लेंगे। अब देखिए ये वर्ड है, ये वर्ब है, तो इसके अंदर खुद पर्सनल प्रोनाउन दिया गया है, मतलब क्या है, इसका आपको ट्रांसलेशन से समझ में आ जाएगा कि इसके अंदर हिडन प्रोनाउन है या हिडन फाइल है। ओके, अच्छा, इस ऐप का और एक फायदा क्या है, अब यहां देखेंगे इसका रूट लेटर भी मालूम हो गया, इसका रूट लेटर क्या है, आमना। ओके, नून फा काफ इसका रूट लेटर, तो इससे जहां जहां भी ये वर्ड आया है इस रूट का, वो सारे अल्फाज आपको मालूम हो जाए। देखिए सुभान अल्लाह, युनफिकुना भी आया है, अनफिकु आया है, युनफिकुना आया, अनफक्तुम आया है, तो सारे वर्जन आपको मालूम हो जाएंगे, ठीक है। तो इस ऐप का आप चाहे वो
एंड्रॉयड में डाउनलोड कर लें या iOS में डाउनलोड कर लें, या आप उसका रूट लेटर, ये होता है किसी भी वर्ड का रूट लेटर का फायदा क्या है जानते हैं आप? रूट लेटर का अगर मीनिंग आपको मालूम हो जाएगा तो कहीं ना कहीं आप वो मीनिंग सारे अल्फाज के लिए मालूम कर सकते हैं। अरबी जबान की खासियत क्या है कि आपको हर एक लफ्ज का माना याद करने की जरूरत नहीं है, हर एक लफ्ज का माना याद करने की जरूरत नहीं है। मिसाल के तौर पर अब देखिए, लफ्ज यूनफिकूना है, ठीक है? अब यूनफिकूना का मतलब क्या है? खर्च करना। तो आप पहले क्या कर लें, नफका का जो मतलब है उसको आप मालूम कर लें। नून फा काफ का मतलब क्या है? खर्च करना, ठीक है? अगर ये आता है तो जहां कहीं भी इससे मुताल्लिक लफ्ज आएगा उसका माना आपको समझ में आ जाए कि उसका रूट लेटर क्या है, तो इसमें खर्च करना है। तो अकॉर्डिंग टू द सेंटेंस आप समझ जाएंगे, जैसे यूनफिकूना दे स्पेंड, वनफिको एन स्पेंड, ओके? यूनफिकूना दे स्पेंड, अनफक तुम यू स्पेंड। सो अकॉर्डिंग टू द फॉर्म इसका सेंटेंस का मीनिंग चेंज होगा, लेकिन जो रूट लेटर है वो मीनिंग एक जैसा ही होगा। सब में किसका माना आएगा? खर्च करने का माना आएगा। बात समझ में आ रही है? तो रूट लेटर का ये फायदा है, रूट लेटर का ये फायदा है। तो इस ऐप में आप क्या करेंगे, हर एक वर्ड पे क्लिक करके देखेंगे वो वर्ब है, ओके? फिर उसके बाद कोई भी वर्ड पे आप जाएंगे तो क्लिक करके देखेंगे, हाँ ये भी वर्ब है, ये भी वर्ब है, ये भी वर्ब है। तो रूल क्या है? सिंपल रूल, अगर जहां कहीं भी आपको फेल के बाद मरफू नजर आएगा तो फाइल है वहां पर जाहिर। अगर फाइल नजर नहीं आए तो क्या समझेंगे आप? कि वहां पर फाइल क्या है? हिडन है, ठीक है? और ये रूल्स को याद रख लीजिए कि फाइल जहां कहीं फेल होगा फाइल जरूर आएगा। क्यों वर्ड का मीनिंग शो नहीं हो रहा है? वर्ड का मीनिंग भी शो होगा ना, देखिए हर एक वर्ड का मीनिंग भी शेयर होगा इसमें, ओके? आपके ऊपर डिपेंड है, जैसे मिसाल के तौर पे यहाँ ट्रांसलेशन ट्रांसलिटरेशन ऐड कर लेंगे तो आपको सारी चीजें मालूम हो जाएगी। अकॉर्डिंग टू द कॉन्टेक्स्ट आप इस वर्ड को इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है? पर्सनल प्रोनाउन का मतलब क्या होगा कि ऑलरेडी डिफॉल्ट उसके अंदर फाइल है। अच्छा, और एक अच्छी बात कि किसी वर्ब के साथ क्या होता है? पर्सनल प्रोनाउन भी लगा होता है, तो मतलब यह है कि वहां पे प्रोनाउन हिडन है। अब देखिए यहां पे सिर्फ वर्ब है तो मतलब यहां पे प्रोनाउन नहीं है, ये वर्ब है। अच्छा, ये तो एक बात हो गई। अब मैंने आपसे ये कहा था कि जो भी फेल होगा उसका माजी होगा, उसका मुजारे होगा, इज़न्ट इट? यानी फेल पास्ट भी होगा, पास्ट टेंस भी होगा और फ्यूचर टेंस भी होगा, ओके? तो इस सिलसिले में और एक वेबसाइट में आपको बताना चाहूंगा कि आप क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली उस वेबसाइट में वर्ब को आप कॉपी कर लें और उसमें पेस्ट कर देने से उसके जितने भी फॉर्म्स हो सकते हैं वो सारे फॉर्म्स आपको मिल जाएंगे। जैसे फिफ्टी आयतों तक हमने किया था ना कल। अब मुझे वो तलाश करने की जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि मुझे मालूम है, तो ठीक है मैं आपको डायरेक्ट बोलूंगा आप बताएंगे, वरना आप लोग जब होमवर्क करेंगे जब प्रैक्टिस करेंगे तो वो वेबसाइट को आप एज अ रेफरेंस यूज करेंगे, ओके? okay? फरकना जी। तो ये वर्ब कौन सा है? तो इसका फाइल है नहीं है, जाहिर है, मुजमर है, हिडन है या शोन है? मुजमर है। फंजैनाकुम में जाहिर है, मुजमर है,
वही कल वाली प्रैक्टिस। ओके अगरकना आला फिरौन, जाहिर है मुजमर है, मुजमर है। फिर तंजुरून में ओके, फिर है अफौना अनकुम, अफौना के बाद फाइल है, जाहिर है मुजमर है। ओके तशकुरून का फाइल क्या होगा? मुजमर होगा। और कौन सा प्रोनाउन इक्विवेलेंट है तशकुरून के लिए? तशकुरून के लिए कौन सा प्रोनाउन इक्विवेलेंट है? अंतुम। वेरी गुड। यहां देखें, वही आते ही ना मूसल किताबा, आते ही ना, ये तो वर्ब है। ओके तो इसमें फाइल कौन सा है? तहतदून। मुजमर मीन्स हिडन, वो जाहिर नहीं होगा। ओके मुजमर मीन्स हिडन। तहतदून मुजमर। ओके अच्छा, इसमें फाइल कौन सा है? वइद कॉल मूसा में क्या है फाइल? जाहिर है, जाहिर है मतलब मूसा जाहिर है यहां। ओके जलम तुम अनफुसकुम में फाइल क्या है? जलम तुम अनफुसकुम में फाइल क्या है? जलम तुम में फाइल मुजमर है। वेरी गुड। ओके फताबा अलैकुम में मुजमर है। वेरी गुड। वइद कुल्तुम में फाइल जाहिर है मुजमर है। कैसे पहचाने जाहिर है मुजमर है? अगर जितना गिवन सेंटेंस आपको दिया जा रहा है, जितना मैं हाईलाइट कर रहा हूं, उसमें कोई मरफू है तो वो फाइल है। अगर उतने सेलेक्शन में कोई मरफू नहीं है मतलब, तो मुजमर है। सिंपल सोल्यूशन। समझ में आ गई बात? ओके ओके यहां देखें, फ़क़ज़तकुमुस्साइक़तु, यह फाइल जाहिर है मुजमर है। अभी क्या है रूल बताया मैंने कि अगर जो सेलेक्शन वाली आयत है इसके अंदर अगर मरफू नजर आ रहा है तो मरफू नजर आ रहा मतलब फाइल जाहिर है, अगर मरफू नहीं है मतलब फाइल मुजमर है। वेरी गुड। तो यहां पे जाहिर है, क्या है फाइल यहां पर? असाइकतु। गुड। तंजुरून में क्या है? मुजमर है, जाहिर है। वेरी गुड। सारे लोग जवाब दें प्लीज। ठीक है, सुम्मा बास नाकुम, सुम्मा बास नाकुम। जी सबका आना चाहिए जवाब। ठीक है, सुमा बासना को मेमोरी मोदी तशकुरून। वजल्लल्ला अलैकुमुल गमामा, जाहिर या मुजमर? वेरी गुड। وأنزلنا عليكم المن، ظاهر يا مزمر؟ تو مزمر فائل سمجھ میں آ جائے گا آپ کو، تو بہت اس کا فائدہ ہوگا۔ ما رزقناكم، فائل ظاہر یا مزمر؟ جب آپ فیل کے ڈیفرنٹ فارمز کو سمجھ جائیں گے، فیل کے پورے ورژن کو سمجھ میں آ جائیں گے، तो अब आपको सेलेक्शन करने का पैटर्न भी समझ में आ जाएगा। बात समझ में आ रही है आपको? मुजमर ऐसे लिखते हैं, मीम ज़ाद। ओके मीम ज़ाद, मीम रॉ, जानी। ओके
जमीर से, मुजमर असल क्या है, जमीर की वजह से। तो बात समझ में आएगा आपको। अच्छा, कितना सिलेक्शन मैं जो कर रहा हूं आप कब कर सकेंगे, वो जो सिलेक्शन मैं कर रहा हूं वो आप कब कर सकेंगे, तब आपको फॉर्म के यानी वर्ब के जितने भी डिफरेंट फॉर्म्स है सब समझ में आ जाएंगे, तब वो आपको आ जाएगा। ठीक है, अभी से परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब सिर्फ इतना फोकस करें कि मैं जो सिलेक्शन बता रहा हूं उसमें अगर फाइल जाहिर है तो जाहिर, अगर मुजमर है तो मुजमर। कितने फॉर्म्स हैं इंशाल्लाह इसके बारे में हम मुस्तकिल तौर पर पढ़ेंगे, परेशान ना। यदलिमून, मुजमर, वेरी गुड। वइज कुलना हादिल करिया, जाहिर या मुजमर। वेरी गुड। सनजीदुल मुहसिनीन, जाहिर या मुजमर। फअंजलना, जाहिर या मुजमर। वेरी गुड। या सुकून, जाहिर या मुजमर। मुजमर, वेरी गुड। ओके, वही वही जिस तस्का मूसा लिकौमी, यहाँ पे मूसा फाइल है जाहिर, वेरी गुड। भारत, फकुल ना, फाइल जाहिर या मुजमर। गुड भारत। कद आलिमा कुल्लु उनासिन, जाहिर या मुजमर। कद आलिमा कुल्लु उनासिन, जाहिर या मुजमर। वेरी गुड। वइज कुल्तुम, जाहिर या मुजमर। मिम्मा तुम्बितु अर्दु, क्या है फाइल, जाहिर अल अर्द है, अल अर्द है ना, मरफू आया ना, तो मुजमर नहीं हो सकता। ठीक है, वेरी गुड। ओके, यक्तुलूना, जाहिर या मुजमर। यकफुरून भी आयातिल्लाह, जाहिर या मुजमर। वकानू यातदून, यातदून, जाहिर या मुजमर। मुजमर, वेरी गुड। आमनू, जाहिर या मुजमर। वेरी गुड। हादू, जाहिर या मुजमर। अमीला सालिहन, जाहिर या मुजमर। उम्मीद है कि सबको समझ में आ रहा है, जाहिर या मुजमर का फर्क मालूम हो गया कि अगर फेल के बाद में फाइल जाहिर मरफू आता है तो फाइल है, अगर नहीं आ रहा है तो मतलब वो मुजमर है। ओके, गुड। वही अखदना मीसा ककू, जाहिर या मुजमर। मुजमर, वेरी गुड। वो रफाना फौकुकुम तूर, जाहिर या मुजमर। मा आतैनाकुम बिकुवा, आतैनाकुम बिकुवा, मुजमर। तत्तकून, वेरी गुड, मुजमर। सुम्मा तवल्लैतुम, इससे मालूम क्या हुआ कि हर आयत के अंदर फाइल मौजूद है, हर आयत के अंदर
फेल और फाइल मौजूद है। तो आपको अगर मुजमल समझ में आ जाएगा, मतलब आप अल्हम्दुलिल्लाह कुरान के तकरीबन आयतों को आसानी से समझ पाएंगे। ठीक है, अगर आप मिसाल के तौर पे आप देखिए, पहले जिस तरह से हम पूरी आयत की प्रैक्टिस करते थे ना, अब उस आयत के एतबार से देखिए आप, माशाल्लाह आपको तकरीबन चीजें समझ में आ जाएगी, तो हम उसमें इजाफा कर चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह। ओके, वही कतल तुम नफसन, तक तुम जाहिर या मुजमर। अब आपको ये समझ में आ जाएगा तो इंशाल्लाह हम कल कंप्लीटली फॉर्म्स ऑफ वर्ब पढ़ेंगे। ओके, ताकिलून, सुम्मा कसत कुलूबुकुम मिन बाद दालिका। तो कुलूबुकुम फाइल जाहिर है या मुजमर है? ओके, यतफज्जरु मिन्हु अल्अनहारु, जाहिर या मुजमर फाइल? वेरी गुड। फयखरुजु मिन्हु अल्माउ, फाइल जाहिर है या मुजमर है? तो आपको एक कायदा तो मालूम है ना कि जहां कहीं फेल होगा तो फाइल जरूर होगा, अगरचे के फाइल जाहिर हो या मुजमर हो, यानी फाइल के बगैर फेल मुकम्मल नहीं होगा। ठीक है, तो जो उस पोर्टल पे आप मालूम करेंगे, हर एक फेल को गौर करेंगे, तो आपको पता चलेगा कि जितने भी अफआल हैं, जितने भी फेल आते हैं, उसका फाइल जरूर आएगा। अगर फाइल जाहिर है, अपेरेंट है, तो अच्छी बात है, अगर फाइल ना हो तो वहां पे मुजमर होगा। ठीक है, इस कायदे को हमेशा लेके चले, इस कायदे को भूलिए मत। तो यशक्कु एक फेल है, तो इसका फाइल कहाँ है, जाहिर है या मुजमर है? मुजमर है, माशाल्लाह। ओके, यह भी तुम इन खशियतिल्ला, फाइल कहां पे है इसका? तालमून, जाहिर या मुजमर? वेरी गुड। तत्मऊना, जाहिर या मुजमर? यस्मऊना, जाहिर या मुजमर? अच्छा, यस्मऊना में फाइल क्या प्रोनाउन इक्विवेलेंट हो सकता है यस्मऊन का? यस्मऊन में फाइल जो प्रोनाउन है वो कौन सा प्रोनाउन हो सकता है? हुम, वेरी गुड। गुड माशाल्लाह। अगर इसको यस्मऊना को ता से तस्मऊन में चेंज कर सकते हैं, जब अगर चेंज करेंगे तस्मऊना में तो क्या होगा फाइल? अंतुम, वेरी गुड। यालमून, ताकिलून, मुजमर है, वेरी गुड माशाल्लाह। ओके, वह खला बाबू, फाइल जाहिर है मुजमर है? खला बाबू जाहिर है, खला के बाद जो बाद है ना, बाबू, एग्जैक्टली वो फाइल। जी हाँ, यशक्कु में फाइल मुजमर है, यशक्कु यहाँ जो फेल है ना, इसका मुजमर है।
बिमा फतह अल्लाहु अलैकुम, जाहिर या मुजमर? वेरी गुड, यालमु जाहिर या मुजमर। अब देखिए सुभान अल्लाह, सिर्फ एक ही आयत में आपको चार फेल मिल गए। एक यालमुना, इसका फाइल मुजमर है, ये यालमु मुजमर है, युसिरुना मुजमर है, युअलिनुना मुजमर है, सुभान अल्लाह। तो ये पढ़ने का ये फायदा आपको नजर आएगा। ला यालमून अलकिताबा, जाहिर या मुजमर? वेरी गुड। यदुन्नूना, अच्छा उम्मीयूना में जाहिर है मुजमर है? उम्मीयूना में जाहिर है मुजमर है? सबने जाहिर मुजमर कह दिया, किसी ने ये नहीं कहा कि ये फेल ही नहीं है। ये फेल के लिए शर्त क्या है? वानून से एंड हो, स्टार्टिंग में क्या हो, या और ता। तो उम्मीयूना में कौन सा वा या और ता है? तो उम्मीयूना क्या है? नाउन है, वर्ब नहीं है। समझ में आ गई बात? तो प्रैक्टिस आपको कराना बहुत जरूरी है, वरना ऐसे कंफ्यूजन हो सकते हैं। बात समझ में आ गई? ओके, यक्तुबून अल किताबा, जाहिर या मुजमर? यक्सुबून, जाहिर या मुजमर? लन तमस्सन नारू, जाहिर या मुजमर? वेरी गुड। फलन युखलिफ अल्लाहु अहदहू, जाहिर या मुजमर? तकुलूना, जाहिर या मुजमर? तालमून, जाहिर या मुजमर? खालिदून, जाहिर या मुजमर? खालिदून, जाहिर या मुजमर? खालिदूना नाउन है, तो इसमें जाहिर मुजमर की बात नहीं आएगी। खालिदूना क्या है? नाउन है। तो कैसे पहचाने नाउन में? पहले ही बताया गया था आपको कि सिर्फ वाउनून को ना देखे, बल्कि वाउनून से स्टार्ट एंड होने वाला वर्ब आखिर में भी देखें। अगर उसके आखिर, उसके शुरुआत में या और ता आता है, तभी वो वर्ब है। तो खालिदुना में कहां पे या और ता है? ओके, तो सिर्फ वाउनून को ना देखें, बल्कि वो पहले वर्ब है नहीं, तलाश कर लें। एग्जैक्टली खालिद में जाहिर है मुजमर है। खालिद ना क्या है? काउन है, माशाल्लाह। तो ऐसे ही मैं आपको प्रैक्टिस करनी होगी। ओके, तबुदूना जाहिर है मुजमर है? वेरी गुड। वही अखदना मीसा का बनी इसराइल, जाहिर या मुजमर? अभी हम ये नहीं मालूम कर रहे कि इसका प्रोनाउन क्या है, फाइल क्या है, वो नेक्स्ट स्टेज में होगा। पहले हम क्या मालूम कर रहे हैं, जाहिर है या मुजमर है, बस। तो ओके, मुअरिदूना जाहिर या मुजमर? मुअरिदूना जाहिर या मुजमर? क्या अभी भी कोई, कुछ लोग जो है मुजमर कह रहे हैं, जबकि ये नाउन है, जबकि क्या है? नाउन है। तो
तो सिर्फ बावलून से धोखे में ना आए बल्कि लफ्ज देख ले वो भैया नहीं है। ओके, वर्ब होगा तभी उसमें जाहिर या मुजमर होगा, क्योंकि फाइल के लिए शर्त क्या है, फेल के बाद आ रहा है ना, फेल होगा तो फाइल होगा, जब वो लफ्ज ही फेल नहीं तो फाइल कहां से आएगा। बात समझ में आ रही है? कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कभी कभार गलती होती है, लेकिन मैं मेरा काम समझाना है इसीलिए मैं समझा रहा हूँ। इससे ये भी मालूम होगा कि आप कल अपना समझ के लिख रहे हैं या किसी और का जवाब देख के लिख रहे हैं। इससे ये भी बात मालूम होगी कि आप अपना जवाब दे रहे हैं या किसी और का समझ कर जवाब दे रहे हैं। ओके, वेरी गुड। वला तुखरिजून अनफुसकुम, वला तुखरिजून अनफुसकुम, नहीं आप माशाल्लाह जो अपना दे रहे हैं वो अपना ही दे रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। वला तुखरिजून अनफुसकुम तक्तुलून अनफुसकुम मुजमर, तुखरिजून फरीकम मिनकुम मिन दियारिहिम मुजमर, तजाहरून अलैहिम बिल इस्म वल उदवान मुजमर, अफतुमिनून बिबाद किताब मुजमर, व तकफुरून बिबाद मुजमर। तालमून मुजमर, फरीकम तक्तुलून। तो अब मुझे बताइए आप लोग, फाइल जाहिर और मुजमर की एग्जाम्पल समझ में आ रही है आपको? अल्हम्दुलिल्लाह। अब क्या अपनी तरफ से आप सेलेक्ट कर सकते हैं या भी नहीं कर सकते हैं? इंशाल्लाह आप वो जो मैंने वर्ब का पैटर्न बताया था उसको आप देखकर इंशाल्लाह प्रैक्टिस करेंगे तो आपको वो भी इंशाल्लाह प्रैक्टिस आ जाएगी। लेकिन इंशाल्लाह जब वर्ब के मुस्तकिल फॉर्म्स आप पढ़ेंगे तब आपको सारी चीजें समझ में आ जाएगी। ठीक है, वर्ब एक मुस्तकिल एक बहुत बड़ा वर्जन है। कुरान में वर्ब कितनी जगह है देखिए आप, एक एक आयत में कितनी दफा मिल रहा है, बहुत दफा मिल रहा है ना। तो वर्ब एक मुस्तकिल है, उसको पढ़ने के लिए टाइम लगेगा, धीरे धीरे हम लोग पढ़ लेंगे। ठीक है, पैनिक होने की जरूरत नहीं है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। मैंने आपसे कहा था कि जब कभी समझ में नहीं आ रहा है अल्लाह से दुआ कर, जब कभी समझ में नहीं आ रहा है अल्लाह से तौफीक मांग। ठीक है, मैं पढ़ाने के लिए भी अल्लाह से तौफीक मांगूंगा और आप पढ़ने के लिए भी अल्लाह से तौफीक मांगेंगे, मैं समझाने के लिए अल्लाह से तौफीक मांगूंगा और आप समझने के लिए अल्लाह से तौफीक मांगेंगे। ठीक है, आप जितना सेलेक्ट करेंगे उसके एतबार से आप लोग प्रैक्टिस करें। तो अब मैं एक और प्रैक्टिस का अंदाज आप लोगों को इंशाल्लाह डिस्कस करना चाहता हूं कि सेलेक्ट मैं नहीं करूंगा, आप लोग सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, ताकि आपको पता चले कि आप लोग कितने इसमें माहिर हो चुके हैं। जैसा कि आपको बताया गया था कि वर्ब सेलेक्शन करने में आपको अभी टाइम लगेगा, लेकिन इंशाल्लाह उस पोर्टल के जरिए उस ऐप के जरिए आप जो है आसानी से वर्ब को तलाश कर सकते हैं इंशाल्लाह। अब वर्ब्स के जो फॉर्म्स हैं, अब ये जो वेबसाइट्स आएंगी उसके लिए आप परेशान अभी ना हो, मैं वेबसाइट तो शेयर कर दूंगा, लेकिन इंशाल्लाह जो हम डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ वर्ब पढ़ेंगे तब ये बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा, अभी इसकी जरूरत नहीं रहेगी इंशाल्लाह। जब मैं वर्ब का पूरी बहस पढ़ा दूंगा आपको तब आसानी से समझ में आ जाएगा इंशाल्लाह। ठीक है, तो इसी पर अपनी क्लास को खत्म करते हैं। अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला हमें सही मानों में अरबी जबान समझने वाला बनाए। जजाक अल्लाह खैर, बारक अल्लाह फीकुम, अस्सलाम वालेकुम, शुक्रन।